हेलो फूडीज, वेलकम टू कोकीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोटीन रिच सैलेड रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम स्प्राउट सैलेड बना लेते हैं। स्प्राउट सैलेड के लिए मैंने यहाँ 1 कप मूंग स्प्राउट्स ले लिए हैं। इसे हम एक बाउल में डाल देते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे फाइनली चॉप्ड एप्पल लिया है मैंने 1 कप। इसके साथ ही हम डालेंगे बॉईल किए हुए ब्लैक चना। फाइबर रिच होता है ये चना, इसे डालेंगे। आप इसे स्प्राउट्स करके भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे काबुली चना लिया है 1 कप बॉईल किया हुआ, आप इसे भी स्प्राउट्स करके डाल सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे 1/2 कप स्वीट कॉर्न, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। इसके साथ ही हम डालेंगे यहाँ फाइनली चॉप्ड कैरेट 1/4 कप। यह 1/4 कप मेरे पास ग्रीन कैप्सिकम है, आपके पास या रेड या येलो हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। फाइनली चॉप्ड ऑनियंस, फाइनली चॉप्ड क्यूकम्बर। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 बॉइल्ड पोटैटो जिसको मैंने कट कर लिया है, फाइनली चॉप्ड टोमेटोस 1/4 कप डालेंगे हम। यहाँ अनारदाना है, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा प्रोटीन रिच और फाइबर रिच सैलेड हमारा रेडी है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसके एक ड्रेसिंग बनाएंगे जिससे हमारे सैलेड का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। सैलेड को हम साइड पे रखते हैं, अब इसका एक ड्रेसिंग बना लेते हैं। मैंने यहाँ 1 कप थिक दही लिया है। दही के अंदर हम थोड़े स्पाइसेस डालेंगे, कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च, चाट मसाला, नमक, और साथ में हम डालेंगे हनी और इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल देंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम बनाया हुआ सैलेड डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे सैलेड और बाकी का मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। मैं आपको 2 तरह का सैलेड बताऊंगी, विद ड्रेसिंग एंड विदाउट ड्रेसिंग। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे आप अपने डाइट में जरूर शामिल कीजिए। प्रोटीन रिच हमारा सैलेड बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ट्राई करें और जरूर कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी आपको। सैलेड हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। बाकी का जो हमने सैलेड रखा था उसमें हम स्पाइसेस डाल के इसे भी टेस्टी बना लेते हैं। सैलेड में हम थोड़े स्पाइसेस डाल देते हैं, भुना हुआ और क्रश किया हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, हनी, थोड़ा सा नमक डालेंगे
हम आखिर में हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। चलिए सैलेड का स्वाद बढ़ाने के लिए हम लेमन जूस डाल देते हैं थोड़ा सा। अभी से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चलिए सर्व कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सैलेड बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसे गार्निश करते हैं फ्रेश कोरिएंडर से। इसे आप दिन में कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।